हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट टू, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखिएगा तो ये चीज़ें और आसानी से आपको क्लियर होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सस्पेंशन क्या होता है? तो देखिए, अब जो सस्पेंस सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक करके अगर आप याद करते हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि वो कैसा मिक्सचर होता था, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे, और वहाँ के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते थे जो कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हमें दिखाई नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन ए सॉल्वेंट, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, और पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हमारे नेकेड आई से भी वो दिखाई दे देते हैं, हमें कोई माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो आपके पास अगर कोई पानी है और पानी में आप बालू डाल रहे हो, तो बालू के पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? ये मिट्टी डाल रहा है तो वो भी पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, और वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा सस्पेंशन। क्लियर है? अब इनका प्रॉपर्टीज, तो इनका प्रॉपर्टीज जो है जस्ट लाइक सॉल्यूशन से कंपेरेबल है। जैसे वहां पे मिक्सचर होमोजीनियस था तो यहां पे हेट्रोजीनियस है। वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते थे, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? तो ग्रेटर देन 10^-6 मीटर, और ये हमारे नेकेड आई से दिखाई देते हैं। अब वहाँ पे पार्टिकल्स छोटे होते थे तो लाइट स्कैटर नहीं होता था, यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े होते हैं इस वजह से लाइट स्कैटर होगा, और जब लाइट स्कैटर होता है तो उसका पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है, जो रास्ता होता है लाइट का वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्लियर है? फिर वहाँ पे पार्टिकल्स छोटे होते थे तो फिल्टर पेपर से पास कर जाते थे तो सेपरेट नहीं होते थे, यहाँ पे पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो फिल्टर पेपर से पास करने पे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। और पार्टिकल्स हेवियर होते हैं, इस वजह से ग्रेविटी की मदद से वो नीचे आके बैठ जाते हैं, तो सेडिमेंटेशन से भी अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? जो सोलबल पार्टिकल्स, सॉरी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, और धीरे से उसको हम लोग अलग कर लेते हैं सॉल्वेंट को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। आगे हमें पढ़ना है, वहाँ पे क्लियरली और अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। फिर एक और चीज़ था कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट था, लाइट पास करने पे पास हो जाता था और उधर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती थी। लेकिन सस्पेंशन जो होता है वो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? ओपेक, यानी उससे लाइट पास करते हैं तो पास तो वो तो स्कैटर कर जाता है, पास विजिबल हो जाता है, लेकिन उस तरफ क्या है हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो एक तरह से ओपेक होता है। क्लियर है? आया समझ में? कंपेयर करके कोई दिक्कत है? अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडल के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट है हम लोग का कोलोइड्स। अब कोलोइड्स क्या होता है? तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी यहाँ भी जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और इसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब याद करें तो सॉल्यूशंस का जो साइज था वो लेस देन 1 नैनोमीटर था, और सस्पेंशन का जो साइज था वो मोर देन 1000 नैनोमीटर था, यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं साइज वाले, वैसे पार्टिकल्स को, पार्टिकल से जो सॉल्यूशन बनता है वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोलाइड्स। क्लियर है? कोलाइड्स किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। क्लियर है? इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। क्लियर है? तो ये होता है हमारा कोलाइड्स, याद रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला प्रॉपर्टी, पहला तो मिक्सचर का टाइप्स लिखना था, तो सॉल्यूशन होमोजीनियस था, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस, और कोलाइड भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। फिर क्या लिखते थे? साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो वहाँ 1 नैनोमीटर से छोटा और यहाँ पे था 1000 नैनोमीटर से बड़ा सस्पेंशन में। अब ये क्या होता है? बीच में। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स
lies between 10 to power minus 8 to 10 to power minus 6 मीटर। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं, क्लियर है। और अब इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई दे सके, जैसे सॉल्यूशन में तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते थे, सस्पेंशन में नेकेड आई से दिखाई देते थे। अब ये बीच का है तो ये ना हमारा नेकेड आई से दिखाई देगा, बट ये हमें कंपाउंड या पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई दे देगा। तो इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे तो हाँ दिखाई देंगे, नेकेड आई से दिखाई देंगे नहीं, किससे दिखाई देंगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किसके पार्टिकल्स जो होते थे पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते थे, तो क्या बोलेंगे, कोलोइड्स के। किसके नेकेड आई से, सस्पेंशन के। किसके दिखाई नहीं देते थे, तो सॉल्यूशन के, क्लियर है। अब इसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत बड़े हैं तो यहाँ भी लाइट का स्कैटरिंग होगा, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, जिसकी वजह से पाथ हमारा विजिबल होता है। अब यहाँ पे इस इफेक्ट को एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, क्लियर है। जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा पास करेगा और स्कैटर होगा और रास्ता विजिबल होगा, वैसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, या उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। जैसे अगर घना फॉरेस्ट है और थोड़ा सा उसके बीच में गैप है, तो उस गैप से अगर सनलाइट आएगा तो वो धीरे 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 क्या होता है, फैलता जाता है, और पाथ ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल होता है। तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, टिंडल इफेक्ट का। जैसे एक डार्क रूम है और उस डार्क रूम में एक छोटा सा क्या है, होल है या वेंटिलेटर है। अब उस वेंटिलेटर से सनलाइट आता है तो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा क्या होता है, स्कैटर होता है और उसके रास्ता विजिबल होते हैं। तो अभी किसका एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट अगर आपको डिफाइन करने आएगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटर होगा उसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं, इतने बड़े नहीं होते हैं कि फिल्ट्रेशन से अलग हो सके, मतलब इसके भी पार्टिकल थोड़ा बहुत छोटे होते हैं, यानी ये फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा। फिल्ट्रेशन से अलग किसके होते थे, सस्पेंशन के, सॉल्यूशन के भी नहीं होते थे और कोलाइडल के भी नहीं होंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब मूव करता रहता है, और मूव कैसे करता है, रैंडम जिगजैग पाथ, कभी इधर कभी उधर ऐसे वैसे मूव करते रहता है, कोई इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। देखो टर्म आया यहाँ पे, देखिए ये कोलाइडल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टर्म आता है, एक तो टिंडल इफेक्ट आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, फिर दूसरा आ गया ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल के वो रैंडमली जिगजैग पाथ में मूव करते रहते हैं, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। फिर एक और टर्म आता है कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज को वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज को वो रिपेल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मूवमेंट होगा, होगा ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, किसके इन्फ्लुएंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो तीन टर्म है, टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ब्रोनियन मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन जिगजैग पाथ इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा टर्म क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एक आता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, तो अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, आप लोग को रिलेट करते चल रहे हम लोग, चलिए तो अब उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। कोलोइड्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, एक को बोलते हम लोग डिस्पर्जन मीडियम और दूसरे को बोलते हम लोग डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, तो वो मीडियम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को या कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जैसे मिल्क हो गया, पानी, वाटर हो गया, तो उसमें अब हम लोग बाहर से कोई चीज़ डालेंगे, अब जो बनेगा कोलाइडल, तो उस पार्टिकल्स को जो डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो कोलाइडल बन रहा है, उस पार्टिकल्स को बोलते हैं डिस्पर्स फेस, क्लियर है। और जो मीडियम होता है जिसमें डाला जा रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, क्लियर है। तो बेसिकली वो सॉल्वेंट होता है और जो डिस्पर्स फेज होता है वो सॉल्यूट होता है,
क्लियर है। तो जो सॉल्यूट हम लोग डालते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट लाइक मीडियम, जिस मीडियम को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं, और इस जो डालने के बाद जो बन रहा है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वही सॉल्वेंट होता है जिसमें हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग डालते हैं या उस सॉल्यूट को हम लोग डालते हैं। क्लियर है दोनों टर्म। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम लोग पार्टिकल्स को डालेंगे तो उस मीडियम को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, वो बेसिकली सॉल्वेंट होगा, एग्जांपल मिल्क वाटर। डिस्पर्स फेज क्या होगा, जो पार्टिकल्स को हम लोग डालें जो सॉल्यूट्स को या सॉल्यूट को, सॉल्यूट्स नहीं, सॉल्यूट को जो डाल रहे हैं किस में, उस मीडियम में, तो उसके बाद वो जो डिस्पर्स होकर कोलाइडल बना रहा है तो उस पूरे चीज़ को हम लोग डिस्पर्स फेज बोलेंगे जो डाल रहे हैं हम लोग। क्लियर है। और जो पहले से था उसको डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डालने से वो बना वो मीडियम, और जिसको डाला गया उसको डिस्पर्स फेज। क्लियर है, आगे होगा समझ में। अब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज वो तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, वो भी हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस। तो कुछ एग्जांपल हम लोग लिए हुए हैं। तो पहला है लिक्विड डिस्पर्स फेज हमारा क्या है, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। उस टाइप को जो लिक्विड और गैस से जो टाइप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एरोसोल। क्लियर है। तो एग्जाम हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉग हम लोग को पता है विंटर सीजन में गिरता है, तो फॉग क्या एटमोसफियर में क्या है, एयर है। तो एयर हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। उस एयर में अब जाके क्या मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि डिस्पर्स फेज लिक्विड। तो लिक्विड आके किस में मिला, एयर में। एयर का क्वांटिटी ज़्यादा था तो जिसका क्वांटिटी ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, मीडियम। और जो जाके उसमें मिला वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज यहाँ पे क्या है, लिक्विड। एग्जांपल क्या होगा, फॉग और क्लाउड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिस्पर्स फेज क्या है हमारा, सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। तो इसको भी क्या बोलते हम लोग, एरोसोल। अब इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल स्मोक, स्मोक होगा। अब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी हमारा क्या होगा, जल रहा है, जल के, तो वो हो गया हमारा डिस्पर्स फेज। अब वही जला हुआ लकड़ी जाके किस में मिलेगा, एटमोसफेयर के एयर में। तो एटमोसफेयर का जो एयर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरह। अब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एरोसोल, और एग्जांपल याद रखेंगे स्मोक। फिर देखते हैं डिस्पर्स फेज हमारा क्या है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। क्लियर है। तो लिक्विड में गैस जाके मिलता है उसको हम लोग फोम बोलते हैं, जो हमारा सेविंग क्रीम होता है। सेविंग क्रीम में जो मेन होता है लिक्विड, सॉरी गैस जाके मिलता है किस में, लिक्विड में, और लिक्विड में मिलने से वो क्या बन जाता है, फोम। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखें क्या, सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम फोम वाला आता है वो। फिर डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो वाटर, सॉरी मिल्क, तो मिल्क हमारा किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड, लिक्विड का, किसका, लिक्विड और लिक्विड, उस चीज़ को बोलते क्या है, इमल्सन। अगर हमारा डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो वो क्या बनाता है, जेल। क्या बनाता है, जेल। एग्जाम्पल याद रखेंगे, बटर, चीज़। क्लियर है। तो हमें पता है ना चीज़ और बटर कैसे बनता है, चीज़ और बटर कैसे बनता है, दूध से। तो दूध हमारा क्या है, डिस्पर्स फेज। दूध को डालने से बनता है, किस में डालते हैं दूध को, सॉलिड में डालते हैं ना। तो सॉलिड में डालने से दूध को वो क्या बन जाता है हमारा, बटर या चीज़ बनता है ना सॉलिड। वो फाइनल किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में, और उस टाइप को हम लोग बोलते हैं जेल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, चाहो तो उसको आप याद कर सकते हो। क्लियर है। समझने वाली चीज़ क्या थी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। अब कब क्या होगा, उसको क्या बोला जाएगा, ये है, और उसका एग्जांपल हम लोग एक एक याद रखेंगे। क्लियर है, आया समझ में। तो ये हमारा क्या था, कोलाइड्स। मीडियम और फेज में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा मीडियम और फेज क्या होता है। मीडियम जिसमें हम लोग कोलाइड्स को डालेंगे, और कोलाइड्स जो डाला जा रहा है वो फेज कहलाएगा। क्लियर है। जो डाला जाएगा वो फेज, जिसमें डाला जाएगा वो मीडियम। क्लियर है। दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कोलोइड्स। तो कोलोइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये बेसिकली दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड्स। क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये था हम लोग का सस्पेंशन और कोलोइड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।